गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, रबर स्टैम्प मेकर फॉर बिगिनर्स, मतलब जो रबर स्टैम्प नए बनाने के लिए जा रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो अपना नया दुकान ओपन कर रहे हैं, उनको क्या क्या ज़रूरत है उसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि उनको क्या क्या जानना है, कैसे स्टैम्प बनाएंगे अच्छे से अच्छे। तो मैं उसके ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी क्या, उन्होंने टाइपिंग करना तो करीब करीब सबको आता है, और जो नहीं आता है वो तो यूट्यूब पे और बाकी लोगों का भी चैनल है जहाँ से वो सीख सकते हैं, और मेरे चैनल पे भी है, हमने डाला हुआ है सब, कैसे टाइप करना है क्या क्या सब, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं वो। तो और बाकी मैं उस उनको बना के भी दिखाता हूँ इस वीडियो में, कोई भी एक प्रोपराइटर का स्टैम्प कैसे करते हैं। और हमारे पास फॉर्मेट है, ये तो आपको पता ही है। अभी एक आए थे मेरे पास गोरेगांव से सीखने के लिए सर, उनको मैंने पूरा सिखाया, बताया कैसे बनता है क्या। तो उन्होंने बोला मुझे फॉर्मेट चाहिए जो आपने बोला है ना 700 में, बोला 700 में नहीं है, 500 में ही है। ठीक है ठीक है, बोले वो चाहिए मुझे। ये देखा आपने, ऐसा हम ना इसको सजा देते हैं मस्त एकदम, ये एकदम नंबर वन हो जाता है। ये देखा आपने, पूरा सेट हो गया ये, ठीक है, ये देखिए हो गया। तो ऐसा हम क्या क्या दे रहे हैं, 500 रुपये में जो पेड़ दे रहे हैं ना, वो आपको पहले बता दें कि हम क्या क्या दे रहे हैं पेड़ का। ये देखिए, फर्स्ट तो हम इतना सारा पेड़ दे देते हैं, देखा आपने। इसमें क्या है कि अगर आप प्रोप्राइटर का स्टैम्प नहीं हुए तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करो, हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ दिखाता हूँ, फाइल है ओपन ही है, फाइल शायद कट कर दिया मैंने, कट कर दिया लगता है, नहीं है, ये देखिए, समझिए ओम इंटरप्राइजेज है मेरा। अब इसको हम श्याम ट्रेडिंग करना है, एस एच बाई ए एम श्याम टी आर ए डी एम ट्रेडिंग, या समझिए कि कोई लेडीज है उसका नाम सुजाता है, सुजाता स्टैम्प, ठीक है। तो आप जो भी चाहिए ना उसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, समझे। अभी ये देखो डिजाइन वाला है, मेरा दोस्त का ही दुकान है अंबिका। अभी समझो इसमें ऐसा डिजाइन में आपको चेंज करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल यू करो सिर्फ इसको, और यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे समझो शाहरुख है, एस एच ए यू आर ए के शाहरुख, ठीक है, देखा आपने शाहरुख, और एस टी एम टी स्टैम्प, ओके। अभी यहाँ पे ये किया, टेक्स्ट में गए, फिर टेक्स्ट इनटू पाथ किया, ये देखिए। तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, यहाँ बीच में लोगो डाल सकते हो, सब चेंजेबल है एवरीथिंग, ठीक है। ये हो गया आपका, और क्या बाकी है, ये देखो पेड़ का है, समझो ये पेड़ का डिजाइन है, और किसी का जैसे अभी मैंने रवेची ट्रेडिंग डाला हुआ है, अभी समझो किसी का है कोई भी, समझो शीतल ट्रेडिंग है, तो एस एच आई टी एल शीतल, नीचे C60 के जगह पे वासी डाल दिया, मुंबई डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, देखा आपने, हो गया, थैंक यू पेड़ है। तो ये सब हम दे रहे हैं पूरा फाइल जो है, इसमें जो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, सब बना हुआ है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, इसमें आपका सब है, और आपको सिर्फ इसके ऊपर अपना नाम चेंज किया, साइज भी दिया हुआ, डायरेक्ट स्टैम्प बना सकते हैं आप, एड्रेस प्रोप्राइटर राउंड सब है इसमें, राउंड का भी है, मुंबई वासी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा है, 500 में आपको पूरा सेटअप मिल जा रहा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने जो हमको बनाना है। तो बिगनर्स को क्या हो गया, फर्स्ट तो उनको ट्रेनिंग चाहिए, वो हम फ्री दे रहे हैं उनको पूरा, मेरा वीडियो है फ्री ट्रेनिंग करके, उस पर रबर स्टैम्प कैसे बनाते हैं फ्री ट्रेनिंग करके, वो आप हो गया। दूसरा समझो कोई बड़ा लॉट है, ज़्यादा आपको स्टैम्प आया तो उस पर क्या टाइमिंग देना है, और छोटा आया तो क्या देना है, मेन तो वही होता है। समझो किसी को एक स्टैम्प आया तो बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है आज, और फिर से डिटेल बना रहा हूँ, और अगला वीडियो एक और बनाऊँगा मैं 2-4 दिन में, वो टाइमिंग के ऊपर बनाऊँगा, लेकिन वो बाद में, अभी हम सिर्फ क्या बनाते हैं, ये देखिए ये हो गया,
अभी आपको हम बड़ा टाइमिंग देके ना वीडियो एक दिखाते हैं, अब फिर आपको एक छोटा सा लॉट दिखाएंगे तो आपको बराबर समझेगा। अभी देखिए इसको ब्लैक इन्वर्ट कर लिए, अभी सब बोलते हैं ये सब दिखाइए, इसलिए मैंने जान के दिखाया कि आपको टाइपिंग करने के लिए भी होएगा। ये बटर पेपर है, ट्रेसिंग पेपर। ये एक सर बार बार मैसेज कर रहे थे मेरे, इसका जवाब नहीं देते, कितना जी एस एम है। देखो मैं ये यूज़ करता हूँ, मैं कई बार दिखा चुका हूँ ये फ़ोटो, फिर भी वो पूछ रहे थे मेरे वीडियो कमेंट्स का जवाब क्यों नहीं देता। अरे ऐसा नहीं है सर, कभी कभी सोचिए कि बिजी हो गया या कुछ बाहर निकल गया तो समझिए नहीं देते, नहीं तो बाकी सबका हम कमेंट्स का जवाब देते ही हैं। तो ये हो गया आपको, अभी ये ट्रेसिंग पेपर में प्रिंट ले लिया। ओके, इतना तक तो सबको मालूम है, इसके आगे का काम आगे करेंगे। अभी हम क्या मारने वाले हैं, ये प्रिंट इनहांसर, वो बोतल दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ, अभी वो स्प्रे कैसे करते हैं वो देख लीजिए। हमने स्प्रे बना के रखा है और इसको स्प्रे मार लिया, अभी उसको ना फैन से सुखाएंगे। ऐसे फैन से भी सुखा सकते हैं और बिना फैन से भी आप कुछ देर रखेंगे ना वो सूख जाएगा। ये देखिए थोड़ा 10 सेकेंड 20 सेकेंड में ही सूख जाता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं लेता टाइम, 1-2 मिनट नहीं लेता, सेकेंड में ही होता है वो, सूख गया, बस फैन बंद कर देने का। कट लो, ये देखिए अभी हमने OHP डाला, OHP सॉरी ये जिलेटिन रोल लिया। अभी मेरा सेल्फिंग का OHP याद आ गया, अभी उनको सेल्फिंग का ट्रेनिंग दिया था तो दिमाग में वही चल रहा है। ये देखिए जिलेटिन रोल, पानी पानी देखा ना आपने, पानी चारों साइड से लगाना है। ये बिगनर्स के लिए वीडियो है, जो सब जानते हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, जो एकदम बिगनर्स है, जो अभी नया नया दुकान खोल रहे हैं उनके लिए है। A to Z है, स्टेप बाय स्टेप है, देखिए ये बिगनर्स के लिए ही है। अभी देखिए स्लो स्लो कपड़े से ना मूव करना है आपको ऐसा, तो उससे क्या होगा बबल्स हट जाएंगे, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, ताकत लगाएंगे तो आप थक जाएंगे, तो अगर 4-5 लॉट निकालना रहेगा तो आपको निकलेगा नहीं। ये देखिए निकल गया करीब करीब, अभी थोड़ा सा ये करने के बाद आपको बॉर्डर टेप मारना है। पानी आपके पास ज़रूर चाहिए, अगर आपको स्टैम्प बनाना है पानी का सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत है, इसलिए हमने बाल्टी भर के रख लेते और छोटा सा देखिए मग भी रखे हम लोग पानी का, पानी ज़रूर लगता है, पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, वॉशिंग में लगेगा आपको, उसके वो ये जो जिलेटिन रोल चिपकाना है उसमें लगेगा आपको, इसमें पानी बहुत लगेगा। ठीक है, तो अभी वो बॉर्डर टेप मारेंगे, ये देख लीजिए। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे ना आपको सब समझ में आ गया, आपका जो क्वायरी रहेगा ना वो इसमें ही सॉल्व हो जाएगा, जो भी आपका क्वायरी है ना उसको आपको अलग से पूछने का जरूरत नहीं रहेगा। मैंने इतना सारा जो भी मुझे प्रॉब्लम आता है ना वो सीधे उसके ऊपर ही वीडियो बना के डाल देते हैं, क्योंकि मुझे ना ये है एक्सपीरियंस है कि हाँ क्या होगा तो क्या करना चाहिए, इसके लिए हम ना जैसे ही लगता है तो मुझे लगता है सामने वाले को भी इसका जरूरत पड़ सकता है। अभी एक सर से उनका यहाँ से बीड़, महाराष्ट्र में बीड़ जगह है, उनका एक साइड में स्टैम्प भर रहा था और एक साइड से उड़ गया पूरा, तो उनको पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि हाँ एक साइड से ना मेरा लिक्विड बाहर आ रहा था और उधर बाहर आया उधर डीप आया, जिधर नहीं आया उधर नहीं आया, तो वही हुआ। अभी आप देखिए मेरा जो मशीन है ना, ये थोड़ा कैमरा नीचे लाइए आप, ये देखिए हमने दोनों साइड में थोड़ा पैकिंग दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है ना कि वो उसको मेजर करके किया हुआ है, एक साइड लिक्विड मेरा भी बाहर आता था तो हमने वो R&D कर करके क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो उसको थोड़ा डीप कर करके अंदाज से उसको लेवल में किया। अभी देखिए बीच में डाला है तो लिक्विड बीच में ही है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट आ रहा है या राइट आ रहा है, दोनों साइड से एकदम सेंटर में है। ठीक है, तो अभी हम इसको फटाफट फैला लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओके फ्रेंड, देखो अभी हमने ना लिक्विड फैला लिया पूरा, अब क्योंकि ये स्किप किया था क्योंकि ये वीडियो पर लिक्विड फैलने में बहुत टाइम लगता है। अभी देखो हम बैकशीट डाल रहे हैं, कैसा डालते हैं वो देखो, मेन वही है लिक्विड बैकशीट कैसे ऊपर बीच से डालते हैं प्रेस करके, तो आपका बबल्स नहीं आएगा। ठीक है, और जो बबल्स आएगा कहाँ से रखने के बाद ना वो मेकअप हो जाएगा। ये दोनों साइड पैकिंग रख दिया, देखो आपने पैकिंग रखने के बाद ये रख दिया, ये हो गया। अभी जो लिक्विड इधर उधर होगा ना कांच रखने के बाद सब मेकअप हो जाएगा, ये देख लो आप।
अभी हम टाइम दे रहे हैं, बीच देखो टाइमिंग मेन है, ये ज़्यादा है तो हम क्या दे रहे हैं इसको 7:82 या 85 जो भी है, या 8:85 ऐसा दे रहे हैं, 7 या 8 और 85। देखा आपने, और उसके बाद ये टाइमिंग देख लो आप, उसके बाद फिर एक दो स्टैम्प बना के दिखाएंगे आपको, उसका टाइमिंग देखना। तो ये मेन है, ठीक है। अभी जब टाइम खत्म होता है फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पे। हाँ ये देखिए हो गया टाइम, अभी हम फटाफट क्या कर लिए इसको निकाल लेते हैं, ओके। और हम इसको जो बीच का जो लिक्विड है ना वो सब निकालेंगे, उसके बाद फिर वाशिंग कर देंगे। ये देखिए ये लिक्विड जो है ना बीच में, ये सब हमको निकाल लेंगे और फिर उसको हम देखिए इसमें डार्क करने के लिए प्रिंट लिया, अभी हमने इसको डार्क करने के लिए लिक्विड मारा, प्रिंट इन्हांसर, क्या ये देखिए प्रिंट इन्हांसर। और ये हाइपो के पानी से, अभी ये हाइपो के पानी जिसमें वो अभी जो बड़ा बड़ा लॉट था वो गए, अभी हम आपको दूसरे छोटे लॉट का बता रहे, वो तो हो गया बड़ा। अभी देखो मैंने फैन से इसको सुखाया नहीं, ऐसे ही सुखा दिया, फूक के ही सुखा दिया। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फैन ही चाहिए, फैन नहीं है फिर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप, हमने सिर्फ 4 स्टैम्प लिए, समझो सिर्फ 4 स्टैम्प अपने को आया ना, तो कैसे बनाने का ना हम आज अभी आपको वो दिखा रहे हैं। और ये फटाक से होएगा सबसे बड़ी बात, क्योंकि जितना कम स्टैम्प रहेगा ना तो आपका कम जाएगा। अब इधर आ जाए, इधर से, ठीक है। अभी जो इसको ये सब करने का था वो तो आपको पता ही है, जिलेटिन रोल, बॉर्डर टेप, हम सिर्फ टाइमिंग पे आएंगे। हाँ तो आप 2 मिनट के लिए पॉज हो, फिर आपको फटक से लेके चलते हैं हम, ओके फ्रेंड। अभी देखो बाकी का आपको ये किया सब रख दिया, अभी छोटा लॉट में क्या टाइम देते हैं ना वो देखो, कहीं से भी लिक्विड बाहर नहीं निकला, ये सब ध्यान देना है, किसी तरफ लिक्विड ज़्यादा तो नहीं निकल रहा है, किसी तरफ एकदम कम तो नहीं है। मशीन का जो बताया था ना आपको, वो मशीन एकदम लेवल में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अभी आपका, अभी क्या करना है आपको, फटक से टाइम देना है। तो हम क्या करेंगे, छोटा लॉट है ये तो हम टाइम भी कम करेंगे, पहले हमने ज़्यादा टाइम दिया था, तो अभी क्या करेंगे, ये देखो हम टाइम अभी कम कर देंगे, ज़्यादा नहीं 76 कर देंगे और 70 कर देंगे, पहले हमने ज़्यादा दिया था, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑन किए और 70 पे हम बंद करेंगे ऊपर का ट्यूब, यानी 6 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो बंद कर दिया, अभी हम 70 नीचे का दे दिए। अभी इसके आगे का ना हम एक सिंगल स्टैम्प का निकालेंगे, सिंगल स्टैम्प का कैसे बनता है वो, ठीक है। अभी ये निकलता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी जो बिगनर रहेगा ना वो अभी आते हैं, अभी बिगनर पे आ गया, जो बिगनर रहेगा मशीन लेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो पेड़ का स्टैम्प बनाएगा, ठीक है। छोटा सा पेड़ लेगा, एक स्टैम्प के साइज़ के इतना ही है, एकदम छोटा छोटा बनाया हूँ मैं। अभी आपको क्या करना है, ये लेगा, वो पेस्ट किया, यहाँ पे जाके इन्वर्ट कर दिया, इसको वापस ले लिया, छोटा कर दिया, ज़्यादा जगह वेस्टेज नहीं करेंगे अपन, लेकिन 2 स्टैम्प है ना तो कम से कम 5-5, 10 mm आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, उससे क्या हो गया बिगनर को ना अच्छा रहता है, जब बाद में आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको कितना भी कम रखो चल जाता है। फिर वो ट्रेसिंग डालेगा, मस्त ट्रेसिंग डाल के लेजर पेपर, प्रिंटर HP लेजर जेट जो भी आपका मॉडल रहेगा चलेगा, वाटर पेपर पे ट्रेसिंग पे प्रिंट ले लेगा, प्रिंट आ गया। तब तक हम इसको ब्लैक करते हैं, अभी देखिए उधर वाशिंग हो रहा है जो इसके पहले 6 स्टैम्प का था वो, और तब तक हम इसको क्या करते हैं वो डार्क करते हैं, वो तो आपने देखा हुआ है वीडियो में तो आपको जरूरत नहीं है, हल्का सा फैन सब लगाने की जरूरत नहीं। ये देखिए अभी क्या करेंगे इसको, देखो हाइपो का पानी में डाला वाशिंग करके, देखा आपने पानी में है, इधर दिख रहा होगा आपको। अभी तब तक हम क्या करते हैं, ये जो सिंगल स्टैम्प, सिंगल, अभी आप टाइमिंग समझना, हम मेन मकसद यही था दिखाने का
तो वीडियो स्टार्टिंग वहाँ से किया है, लेकिन जो मेन है ना वो यहाँ है। सिंगल स्टैम्प आप कैसे बना सकते हैं, ये देखो। अभी हमको आदत बड़ा का है तो हमने क्या किया, जिलेटिन रोल भी बड़ा ले लिया, लेकिन अभी उसको वेस्टेज जाएगा। चलो चिपका देते हैं। ये सब होता है क्योंकि हम क्या है, स्क्रिप्टेड नहीं है, लिख के नहीं रखते पहले से, जो भी आया वो बोलते रहते हम। तो स्क्रिप्टेड में क्या होता है, आपको पता है कि आपको क्या बोलना है और क्या क्या करना है, सब निकाल के रखा हुआ है। हम तो क्या काम करने वाले हैं, बनाने वाले हैं स्टैम्प, प्रोफेशनल तो है नहीं, कि सिर्फ वीडियो बनाना तो हमारा काम है नहीं। तो हम क्या जो रियल होता है वो दिखाते हैं आपको, जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमको प्रॉब्लम आता है उसी पर हम वीडियो बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, हमने क्या किया, फटाफट इसको बबल्स ख़त्म हो गए, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आप थक जाएंगे, तो बोलेंगे अभी तो मैं तीन ही लोट निकाल लिया, काम हो गया मेरा। और आपको पूरा गेम एक और समझाना था मुझे, अच्छा हुआ सामने आ गया ये। अभी देखो आप बोलते हैं ना टाइमिंग का, अभी जैसे मेरा जो हुआ इशू, अभी देखो अभी दो दिख रहा है आपको, दोनों का थिकनेस अलग अलग है, तो टाइमिंग इस पर भी निर्भर करेगा। तो आप ये मत सोचना कि जो टाइम अपन हो गए ना वो हो गए, नहीं, अभी देखो ये दोनों है ना, दोनों अलग अलग का टाइमिंग का है। एक पतला है तो आपको थोड़ा टाइम एक सेकंड कम कर देना है, और जाड़ा रहेगा तो एक सेकंड बढ़ा देना है, तो वो सब भी आपको देखना है, खाली वो लिक्विड पे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे ना सब, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। और बाकी आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या आप जो सोचेंगे वही होगा। आप पहले ही सोच लो अच्छा बन जाएगा तो बन जाएगा, आप पहले ही सोच लो कि स्टैम्प खराब होगा तो हो जाएगा। अगर आपने मान लिया ना खराब क्यों होगा, नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता, ख़राब हो जाए गारंटेड है। अभी देखो अभी ये छोटा है तो मैं उसमें थोड़ा सा ही डाल देता हूँ इधर से, यही सा आपने लिक्विड डाल दिया, देखा आपने। ये हो गया, लिक्विड डाल दिया हमने, जब तक वो फैलेगा तो अब देखिए कम है तो हम रिस्क ले सकते हैं, इसको नहीं भी फैलेगा तो चलेगा। तो हम क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे ये डाल दिए, वो फैल जाएगा, लिक्विड ज़्यादा है तो बाहर आएगा। अभी तक दोनों लॉट में देखा आपने लिक्विड बाहर नहीं आया, इसमें ज़्यादा है तो अभी बाहर आएगा। और इसको मस्त सेंटर पर टिका दिए, देखिए चारों साइड फैल गया, कोई डाउट नहीं। अब इसको टाइमिंग पर गेम है, हाँ, कि आप एक स्टैम्प क्या टाइमिंग पे बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 और 6 दे रहे, 56 दे दिया, ठीक है, या 55 दे दिया, ओके। पहला दिया था 7-8, फिर दिया 6, अभी 5 कर दिया, 4 भी कर सकते हैं, 4 कर दिया, ओके, डन। अभी ऑन है, ऑन किया, बंद किया, अभी देखो 50 और 4 कर दिया, ये आप 40 भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लेटर मेरा बोल्ड है। अगर आपका ये 5 मैंने क्यों दिया, छोटे लेटर के लिए, जैसे राउंड का हो या एड्रेस का है, हमने तो पेड डाला है, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम दिया इसीलिए कि छोटा लेटर भी रहेगा तो इतना में खींच लेगा। अगर पेड का था तो हम 40 भी देते थे ना तो बन जाता था, उसके लिए कुछ ये नहीं जरूरी था इतना टाइम देना। और पहला सेकंड आपको अगर ज़्यादा बारीक है ना, तो जो मैंने 4 किया ना उसको आप 5 कर देना, लेकिन आप टाइमिंग अपने मशीन के हिसाब से देना। आप जो समझो कोई 10-20 में बना रहे, कोई 8-25 में बनाते हैं, कोई 10-35 में बनाते हैं, तो आप उसके अनुसार टाइम आगे पीछे करना। टाइम सिर्फ मेरा मेजरमेंट देना कि मैं कितना लॉट में मैं कितना दे रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल टाइम है वो आपका मशीन क्या ले रहा है ना, उसके अनुसार आप ऊपर नीचे कर लो। खाली मेरा समझाने का मतलब वही है। टाइम आप देखो, टाइम पूरा हो गया, आपको जो टाइम देना है आपके मशीन के अनुसार देना है, ज़्यादा कम जो करना है ना आपके मशीन के अनुसार, ओके फ्रेंड। ये देखो हो गया, इसको बंद करते हैं, ये देखो परफेक्ट, देखा आपने, ये लिक्विड निकल गया, इसको फटाफट डाल दिए इधर, ओके, ये ले लिया। और इसके अंदर जो लिक्विड है तो देखा आपने, हम कई वीडियो में दिखाया, इसे निकाल लेते हैं हम लोग, फटाफट हो गया।
एक दो स्टेम ना आपका एक दो मिनट में बन जाता है। हाँ लॉट रहेगा तो आपको रहेगा, तब तक वाशिंग करते हैं, फिर आपको वाशिंग करके तीनों एक साथ दिखाते हैं कैसा बनाए करके, ठीक है। अब वेट करो थोड़ा सा। ओके फ्रेंड, देखो ये बन गया आपका। इसका टाइमिंग क्या था आप समझ लो, आप आपके मंजूर मशीन के अनुसार टाइम देना, मैं सिर्फ आपको एक एवरेज जो होता है ना टाइमिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने क्या दिया, 7 दिया या 8 दिया, 8 और 80 दिया। ओके, अभी इसमें हमने क्या दिया, 7 और 70 दिया, इसमें हमने क्या दिया, 5 और 50 दिया, समझ गए ना आप। तो उसके अनुसार समझो कि एक स्टैम्प निकालना है तो जो आप टाइम दे रहे हो उसका सीधा एकदम 30-40% कम आ जाना है, ठीक है। और बाकी कुछ इंक्वायरी रहे तो आप मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या। देखो डीप देखो सब में मेरा एकदम इक्वल है, किसी भी स्टैम्प में देखो कोई में भी, और ऐसा नहीं कि कॉर्नर भर गया साइड में डीप, एक साइड में कम आया, नहीं चारों साइड दिखेगा ना आपको एकदम सेम दिखेगा आपको चारों साइड से। आप थोड़ा जूम करके दिखाइए, देखिए सबको आपको ना एक तरह का दिखेगा, कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि इधर ये आ रहा है, इधर डॉट उड़ा हुआ है, इधर ये हिला हुआ है, तो वही आप मेन है, ठीक है फ्रेंड। बाकी कुछ नहीं तो आप मेरे को ये भेजो, कमेंट करो, और प्लीज़ अगर आप मेरे को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आपको कुछ नया जानना है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो